एमएसआई यानी कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन की 46वीं कॉन्फ्रेंस के लिए प्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बुधवार को हुआ। इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने करीब 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। बच्चों में प्री कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में AOMSI की प्री कॉन्फ्रेंस चंद्रशेखर रायकवार, सदस्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MGM के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर देशराज जैन की मुख्य रूप से मौजूदगी में हुई। कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर राजेश धिरावनी ने बताया कि होने वाली कॉन्फ्रेंस में 1600 चिकित्सक जुड़ रहे हैं तथा कॉन्फ्रेंस में AOMSI सर्जरी के मरीजों को चिकित्सा में लाभ मिलेगा। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 17 नवंबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस को लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कॉन्फ्रेंस हुई। ये आज हम लोग का सबका हर्ष का विषय है कि 5 दिवसीय वार्षिक जो हम लोग का आयोजन होता है, अधिवेशन होता है, एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया, ये हमारी 46वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस है, इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में संपन्न होने जा रही है। अभी पहले के जो 2 दिन हैं, कल और आज, हम लोगों ने प्री कॉन्फ्रेंस कोर्सेज किए जिसमें अलग अलग मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की जो विधाएँ हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट किस तरह से आर्टिफिशियल बिठाते हैं, जैसे नी ज्वाइंट होते हैं, हिप ज्वाइंट होते हैं, इसी तरह से हम लोगों ने TM ज्वाइंट का रिप्लेसमेंट की विधा का आविष्कार हुआ है, उसके बारे में जो रीसेंट ज्ञान है वो हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सिखाया जा रहा है। इसके अलावा जो इम्प्लांट्स होते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ कैंसर में ऊपर के जबड़े या नीचे के जबड़े काट दिए जाते हैं, तो इम्प्लांट्स के द्वारा प्रत्यारोपण करके उनके नए दांत लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा ब्लैक फंगस की वजह से जो जबड़े निकाल दिए गए थे फंगस की वजह से, सड़ने की वजह से, उसमें भी कस्टम मेड इम्प्लांट्स बना के उसका प्रत्यारोपण करके चेहरे को फिर से कैसे सुडौल बनाया जा सकता है। एक वर्कशॉप है जिसमें ठुड्डी, ऊपर का जबड़ा या तिरछे जबड़े, उनके इलाज में किस तरह से हड्डियों को फिर से सेट करके नए सिरे से उसे अच्छा बनाया जा सकता है, उस पर सौंदर्य सर्जरी की जा सकती है। एक वर्कशॉप है जिसमें चेहरे में धब्बे, दाग या किसी तरह के कोई दाग हो, चोट के निशान हो या झुर्रियाँ हो जाती हैं बुढ़ापे की वजह से, उसकी सौंदर्य सर्जरी के बारे में भी एक वर्कशॉप चल रही है। इसके अलावा एक वर्कशॉप चल रही है जो अरविंदो में चल रही है, वहाँ पर हम लोग कैडेवर पे जो मुर्दा होते हैं उस पर जो कैंसर के ऑपरेशंस हैं वो सिखा रहे हैं, बोन ग्राफ्टिंग कैसे करनी वो सिखा रहे हैं, नेक का डिसेक्शन कैसे करना है, जो कैंसर में हमारे नेक तक कैंसर फैल जाता है, तो उनको कैडेवर पे हमारे यंग सर्जन्स को वो विधा सिखाई जा रही है। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर लाइव सर्जरी हो रही है और इन सब को किस तरह से हम लोग बिठा सकते हैं वो दिखाया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो वर्कशॉप हमारी चल रही है, 5 कोर्सेज हमारे ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल MGM के परिसर में है, 3 कोर्सेज जो राइनोप्लास्टी का भी चल रहा है वो अरविंदो कॉलेज में चल रहा है, नाक को सुडौल बनाना, जो चपटी नाक होती है, तिरछी नाक होती है, उसको किस तरह से सुडौल बनाना, तो ये सारे जो 7 कोर्सेज चल रहे हैं। द 46th नेशनल एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंदौर on 17th, 18th and 19th of November 2022. Yesterday and today we had the pre-conference courses happening here, where we had almost about 8 courses which have been done in the Super Speciality Hospital as well as in Aurobindo Medical College. This is where we interact, we learn from each other, and in this conference we had 30 international delegates coming from all over the world, from America, from Europe, from Australia, and more than 2,000 delegates are attending this conference. Very senior faculty of our own speciality will be training the younger generation so that our speciality is going to grow in a bigger way, and we are going to serve this great nation in oral cancer, in cleft lip and palate, in trauma, and in facial deformities. I'm sure this is going to be a super successful conference. The organizing committee headed by Dr. Rajesh Dirwani, who is the organizing chairman, Dr. Geethi, who is the secretary, and Dr. Shaji Thomas, who is the scientific chairman, and Dr. Veerabahu, who is the conference secretary,
have really put in a great effort to make this into a super successful conference.